स्वागत है आप सभी का फाइन आर्ट वाला में। आप सभी का बेसब्री से इंतजार थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट्स की मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो ये इंतजार खत्म हो चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इस मेरिट लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले कि कैसे आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है और एग्जाम का डेट क्या है, क्या टाइमिंग है, क्या क्या एग्जाम के टाइमिंग आपको लेकर जाना होगा, तो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए फाइन आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेज हैं। थ्योरी की जो क्लासेज होगी डिजिटल बोर्ड पे होगी। थ्योरी में फाइन आर्ट्स जीटी और लैंग्वेज की तैयारी होगी, उसके साथ साथ आपको फाइन आर्ट्स से संबंधित और एनसीईआरटी पर आधारित लगभग 40 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। प्रैक्टिकल एग्जाम में कंपोजिशन, स्टिल लाइफ, ड्रॉइंग, स्केचिंग, लैंडस्केप, यानी कि जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे पूरी की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस से इंटरेस्टेड हैं तो इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क करके आप पूरी की पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट की जो मेरिट लिस्ट है कैसे डाउनलोड करनी है। स्टेप बाय स्टेप गूगल पे सर्च करेंगे कॉलेज ऑफ आर्ट। गूगल पे सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज ऑफ आर्ट की वेबसाइट है और इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट की ये वेबसाइट है और आप देख भी सकते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 16 अगस्त को, जिसमें आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंट्रेंस बेस्ट टेस्ट, यानी कि कौन कौन से एलिजिबल है कैंडिडेट उनका यहाँ पे लिस्ट दे सकते हैं, और शेड्यूल फॉर बीएफए एंट्रेंस टेस्ट और क्या एंट्रेंस एग्जाम का जो टाइमिंग है क्या है, किस डेट को है, और यहाँ पे नोटिस भी जारी किया गया है। पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से, जिसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट बीएफए। तो इस पे हम क्लिक करेंगे जहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और URL पे क्लिक करने के बाद हमको पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि किस लिस्ट में आपने क्या क्या भरा था। जैसे किसी स्टूडेंट ने स्कल्पचर में भरा था तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिस्ट को। अगर किसी ने विजुअल कम्युनिकेशन का फॉर्म भरा था तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी ने अप्लाइड आर्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया था, किसी ने अगर प्रिंट मेकिंग, तो यहाँ से आप अपनी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और लिस्ट से मैच करा सकते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं है, कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस मेरिट लिस्ट से बहुत से बच्चे परेशान हैं, क्योंकि मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया कि इस मेरिट लिस्ट में कम नंबर वालों का भी नाम है बट मेरा ज़्यादा नंबर है और मेरा इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, बट मुझे ये आइडिया नहीं कि किस आधार पे ये मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर। साथ ही साथ अगर आपको कॉलेज ऑफ आर्ट से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सके कॉलेज ऑफ आर्ट से संबंधित। धन्यवाद आप सभी का।